सामने आएंगे और देश को खरीदने वाले लोग के भी नाम सामने आएंगे। वह ऐतिहासिक पल होगा 13 फरवरी। और आश्चर्य मत कीजिए, मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। 13 मार्च वो ऐतिहासिक दिनों जब देश बेचने वाले का नाम सामने आएगा, देश को खरीदने वाले का नाम सामने आएगा। और मुझे तो आश्चर्य नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कहीं कल परसों में कोई ऑर्डिनेंस ना आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम बदल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया, अब ये चोरों का जमात एक ही सहारा देगा कि ऑर्डिनेंस लाओ, अध्यादेश लाओ और इस फैसले को खारिज करो। और बड़ा सीना तान के घूमने वाला ईडी, अब तुम्हारा पीएमएलए एक्ट 50 कहां जाएगा? अब बताओ ईडी, एक बार तो अदानी को छोड़ा था पीएमएलए में, जब गुजरात का ऊर्जा विभाग का पैसा लौटाया था, अब आएगा ना अदानी, रहेगा ना रिमांड पर? है हिम्मत ईडी में? 13 मार्च के बाद चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ईसीआर ने और प्रधानमंत्री मोदी को, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को, वर्तमान जो नड्डा जी है उनको, गौतम अडानी को डाले रिमांड पर, देखेंगे ईडी का कलेजा। अलग देश बना दिया हो पंजाब को, पंजाब का आदमी हरियाणा नहीं आ सकता, हरियाणा का आदमी दिल्ली नहीं आ सकता। अर्धसैनिक बलों से ट्रेनिंग करवा रहे हो, एसएलआर से गोली चलवा रहे हो, खट्टर जैसा कायर हमने कभी किसी को नहीं देखा। जो 1.5 किलोमीटर दूर से शेलिंग करवाता हो और अपने ही देश में ड्रोन से शेलिंग करवा रहा है, ऐसे बुजदिल लोग हैं। तो आज का इस ऐतिहासिक फैसला और उस फैसले के बाद भाजपा का कुतर्क का हम लोगों को इंतजार है।